आपको 10,000 रुपये, भाई हाँ 10,000 रुपये में आपको मिल जाएगी यामाहा की FZX। अब चाहे आप टॉप वेरिएंट ले लो, चाहे आप लोअर वेरिएंट ले लो, चाहे आप कोई सा वेरिएंट ले लो, बट आपको 10,000 रुपये लेकर आना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन ब्लॉग्स। सो टुडे आई एम एट दी बाइक हाउस दिल्ली यामाहा शोरूम टू जस्ट शूट अ वीडियो फॉर यू फॉर दिस ब्यूटीफुल यामाहा FZX। एंड दिस इज अ फर्स्ट यामाहा नियो रेट्रो डिज़ाइन बाइक, एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ यामाहा FZS। तो आप देखते हो बाइक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक और बहुत ही ज़्यादा रेट्रो डिज़ाइन के साथ है। और अगर आपको एक रेट्रो डिज़ाइन वाली बाइक चाहिए तो भाई आप 100% इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बाइक जो है अपनी ऑलमोस्ट सेम दिखने को मिलने वाली है। जैसे अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें, डायमेंशंस की बात करें, तो ऑलमोस्ट सेम मिलने वाले आपको यामाहा FZS से। एंड तो ये कुछ न्यू कलर आया है इसके अंदर, आप देख सकते हो ये कि क्रोम वाला है जिसमें आपको गोल्डन अलॉयज मिल जाएंगे एंड क्रोम टैंक देखने को मिल जाता है। एंड दिस ऑल ब्लैक कलर। और अगर मूव और ये देखो तो यहाँ पे एक मैट ब्लू भी आपको मिल जाता है, अगेन जिसमें भी गोल्डन अलॉयज ही मिलेंगे। और एक और कलर है जो अपना एक ये है, ये एग्जैक्टली इस कलर को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा गोल्डन सॉर्ट ऑफ फिनिश में आ रहा है, तो ये कलर देख लेना आप। और इसमें आपको एलॉयज जो मिलने वाले हैं, ये भी थोड़े से कॉपर कलर में आपको एलॉयज देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली मैट फिनिश के साथ आपको एलॉयज देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें, सब बाइक के फीचर सेम मिलने वाले हैं, जितने भी कलर्स खड़े हैं ऑलमोस्ट सब में फीचर सेम मिलेंगे, सबके डायमेंशन हमें सब। आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कलर के अकॉर्डिंगली, तो वो एक बार आपको बाइक हाउस दिल्ली पे कॉल करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें अगर इस बाइक की फ्रंट से, तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से देखने को ये मिलने वाली है अपनी। तो एक बार इसकी लाइट्स ऑन कर लेते हैं, तो ये लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सर्कुलर शेप में DRS मिल जाएगी विद अ प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे बाई LED प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका हैलोजन में मतलब LED में ही काम करेगा, हाई बीम में, लो बीम में, दोनों में यही काम करेगा। तो जिस तरीके से काम करेगा ये देख लो प्रोजेक्टर, और LED प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे जो सर्कुलर है ये वाला पूरा पार्ट, ये भी आपको पूरा क्रोम में मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रेट्रो और थोड़ा एक प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्रोम दिया गया है, न्यू कलर ऐड किया गया जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और थोड़ा ओल्ड जो होते हैं ना, ओल्ड एज वाले बंदे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ आपको एक ओल्ड स्कूल फिनिश मिल जाएगी इस बाइक के साथ। बाकी अगर आपको एक मतलब अच्छी लुक और अच्छी फील चाहिए तो भाई आप FZS पे जा सकते हो। बाकी आपको ओल्ड स्कूल चलाने के शौकीन हो तो भाई आप इसको भी एक परचेज़ कर सकते हो, देख सकते हो चला के। और क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पावर वाइज चलाने के लिए सब कुछ आपको सेम ही रहने को ही देखने को मिलने वाला है, तो वो एक चीज़ है। बाकी आपको यहाँ पे अब LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स आ गए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ गए हैं, 43mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन पे यहाँ पे आपको कवर पूरा देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपके सस्पेंशन लीक नहीं करेंगे, डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट रखेगा। बाकी फ्रंट मडगार्ड आपको मेटलिक मिलेगा इसके अंदर, और ये आपको पूरा मेटलिक मिलेगा इसके अंदर। बाकी 100 सेक्शन का आपको फ्रंट में ऑफ रोड टायर मिल जाएगा देखने को। और जो ये मेटलिक वगैरह पार्ट ऐड करें ना इसके अंदर एक्स्ट्रा, इससे बाइक का वेट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पे ये बाइक 139 kg की हो गई है, ऑलमोस्ट 3 kg हैवियर देन दी FZ। तो वही देख सकते, वही चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी एलॉयज देख लो, वही सेम एलॉयज रहने वाले हैं, गोल्डन कलर के एलॉयज हैं। और 282mm के आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाती है विद अ सिंगल चैनल ABS। अगेन दिस इट हैज़ अ वाइब्रे ब्रेक कैलिपर्स, तो वाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा, और इसमें भी आपको वाइब्रे ही मिलेंगे। और बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो भाई यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है अपनी FZ से। तो यहाँ पे 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो गई है, जबकि FZ के अंदर 13 लीटर्स की है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बटली ये आपको पूरा प्लास्टिक का देखने को मिलने वाला है। और बाकी कलर यार बहुत बढ़िया लगता है, क्रोम कलर ना एक अलग ही खूबसूरत सी फिनिश देता है, मतलब प्यारी सी फिनिश देता है। और ये आपको पूछा थोड़ा सा ये ऑफ रोड वाली फील देने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरीके का सॉर्ट ऑफ अलग सा मटेरियल यहाँ पे दे रखा है। बाकी यहाँ से अपना फ्यूल टैंक में आप फ्यूल भर सकते हो 10 लीटर की फ्यूल। और की बात करूँ तो की वही आपको मिलने वाली है सेम जैसे यामाहा की आती है, तो वही की आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको बीच में चार्जिंग का भी मिल जाएगा, ये रहा चार्जिंग के लिए आपको ये मिल जाएगा 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, बट इसकी जगह अगर USB दे देते तो आई थिंक डेट कुड बी द बेटर ऑप्शन। बाकी इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका मीटर भाई टोटली डिफरेंट है यामाहा, अगर आप FZ तक देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़े बड़े फॉन्ट्स में काफ़ी आ रहा है, और एकदम टोटली डिफरेंट मीटर देखने को मिलता है। और इसके अंदर यहाँ पे ना वो जो आपको प्रॉपरली एक प्लेट दिखाई मैंने, तो वो जैसे लास्ट वीडियो में दिखाई वो यहाँ पे विजिबल वगैरह कुछ नहीं है। और इसमें भी कनेक्टेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं यामाहा के, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो स्विच गेट्स हैं ये आपको टोटली डिफरेंट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओल्ड स्कूल वाली फिनिश है, तो यहाँ पे इसमें भी ओल्ड स्कूल दिया हुआ, हाई बीम लो बीम इससे हो जाएगा, लाइट बंद चालू का जो भी है अपना वो इससे हो जाएगा।
हाई बीम लो बीम यहाँ से हो जाएगा एंड इंडिकेटर्स हॉर्न और पीछे से पास और किल स्विच इधर मिल जाएगा एंड यहाँ से सेंसर बटन देखने को मिल जाता है। और जो इसके मिरर्स हैं ये भी काफ़ी राउंड शेप में है, तो क्योंकि भाई रेट्रो डिज़ाइन है, आगे बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भाई काफ़ी जो चीज़ें चेंज कर दी है, राउंड शेप में आपको ये मिलेगा। क्लच काफ़ी लाइट क्लच देखने को मिलने वाला है और ये साइड पैनल में भी ये जो पार्ट है ये भी आपको प्लास्टिक का मिलता है। यहाँ पे FZS की बैजिंग, FZX की बैजिंग मिलती है, एस नहीं, एक्स की बैजिंग मिलती है। और ये सिंगल सीट देखने को मिलने वाली है, सीट्स की ज़्यादा कंफर्टेबल है काफ़ी, मतलब फोम देख लो कितनी मोटी फोम लगाई है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है इसकी सीट। और एक बार टेल लाइट्स भी दिखा देता हूँ ऑन करके, तो ये देख लो भाई टेल लाइट्स भी आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, LED टेल लाइट्स राउंड शेप में LED टेल लाइट्स मिलेंगी। और ये चीज़ आपकी हेलोजन रह गई, अगर इसको भी LED कर देते यामाहा तो बहुत बहुत मज़ा आ जाता और 2-3 हज़ार मतलब कितने का होता है बल्ब आता है, चेंज कर देते और तो 200 रुपये इंक्रीज हो जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, नेक्स्ट अपग्रेड में हो सकता है ये हो जाए। और रियर टायर की बात करूँ तो यहाँ पे जो रियर टायर है ये मिल जाएगा 140 सेक्शन का रियर टायर, ऑफ रोड टायर्स मिल जाएंगे आपको देखने को, बॉक्स एंड स्विंगर मिल जाएगा, ओपन चेन मिल जाएगी, एक टायर हगर देखने को मिल जाएगा, साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, मोनोशॉक मिल जाएगा आपको रियर में जो कि एडजस्टेबल है, अगेन रियर डिस्क मिल जाएगी, रियर डिस्क अगेन आपको मिल जाएगी, आई थिंक 240 mm के आसपास डिस्क आपको देखने को मिल जाती है ये रियर में, जैसे वाइब्रेट ब्रेक कैलिपर्स। और स्विंगम काफ़ी ठीक और काफ़ी अच्छा स्विंगम है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। साइड स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ मिल जाएगा और सेंटर स्टैंड मिल जाएगा, 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। बस की जो फुट पैक पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा फ्रंट में करी गई है और जो FZ की है काफ़ी रियर, थोड़ी सी रियर की तरफ पोजीशन करी गई है, बाकी 5 गियर दोनों में मिलने को सेम ही मिलने वाले। और अगर बात करें यहाँ पे इसके ये इंजन की, तो भाई इंजन वही मिलने वाला आपको, 155 cc का इंजन, सिंगल स्पार्क इंजन विद फ्यूल इंजेक्टर। और बात करें पावर की, 12.2 BHP की पावर है, 13.3 Nm का टॉर्क है जिससे कि आप 60 की माइलेज अचीव कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि यार ये ना थोड़ा सा ये टैंक काफ़ी ऊपर तक है, थोड़ा नीचे होता ना तो ये सब हाइड हो जाता, बट ये थोड़ा सा विजिबल है इसके अंदर ये सब चीज़ें, तो ये एक चीज़ है कि ये विजिबली थोड़ा सा और थोड़ा सा इसकी जो इसको कुछ यहाँ पे ऐसा पार्ट लगा के इसको ऐसे कवर कर देना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता। बाकी ये एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ऐड करा गया, थोड़ा सा यहाँ पे रेडिएटर वाली फिनिश देने की कोशिश करी है, बट इसमें रेडिएटर नहीं है, ये आपको प्रॉपर ऑयल कूल्ड इंजन, सॉरी एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है यहाँ पे, एक नीचे ये आपको बैश प्लेट देखने को मिल जाती है, अगेन दिस इज मेटलिक, तो ये यहाँ पे मेटल का पार्ट यूज़ करा हुआ है, आपके इंजन वगैरह को प्रोटेक्ट रखेगा स्टोन चिपिंग वगैरह से, तो यहाँ पे जो स्टोन उछलते हैं तो उससे आपके इंजन को बचा के रखेगा ये, तो ये है। बाकी यही है अपनी भाई कुछ बाइक, तो और कुछ में एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ दिया नहीं है कि मेरे को आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़े। बाकी यही है, कलर्स वगैरह आपको न्यू दे दिए हैं तो वो आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो इस बाइक को आप, अगर अपने आप फादर वगैरह के लिए देख रहे हो तो ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप यंगस्टर हो अपने लिए देख रहे हो तो भाई आई विल सजेस्ट टू गो फॉर दी FZX और FZS या FZ version 3, FZ version 4, आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, वो थोड़ी ज़्यादा यंगस्टर के लिए फोकस मुझे लगती है बाइक, एंड दिस इज़ मोर टूवर्ड्स दी लाइक 30-40 की उम्र वाले बंदे हो तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा मेरे को फोकस लगती है बाइक। वही बात करें अगर यामाहा FZX के प्राइस की, अगेन दिस इज़ अ फर्स्ट न्यू रेट्रो प्रोडक्ट फ्रॉम यामाहा। बात करें इसके जो बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस जो आता है वो आता है 1,36,200 रुपये एक शोरूम डेली प्राइस बता रहा हूँ आपको मैं। अगर बात करें टॉप एंड वेरिएंट की, तो टॉप एंड वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 1,39,700 रुपीज़ एक शोरूम डेली। अगेन फॉर द ऑन रोड प्राइस यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू यामाहा बाइक हाउस डेली शोरूम, जो कि भाई देवी रोड खानपुर में नियर बाई साकेत मेट्रो है, तो भाई आप डायरेक्टली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको घर बैठे ही अपने लोन और अपनी EMIs के बारे में जानना है तो भाई अपने आप डॉक्यूमेंट्स वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्टली आपकी EMIs हैं आपके डाउन पेमेंट वगैरह आपको डायरेक्टली लिख के भेज देंगे। अब बात करें डाउन पेमेंट की, तो भाई डाउन पेमेंट कितनी देनी है अगर आपको ये बाइक बाय करनी है, तो भाई ज़्यादा नहीं देना, महंगाई वैसे ही इतनी हो रखी है भाई। लेकिन यामाहा जो ये शोरूम है ना बाइक हाउस डेली, इन लोगों ने भाई जिम्मा उठा लिया है कि लोगों को पुरानी बाइकें नहीं खरीदने देना, लोगों को बेचेंगे तो भाई नई बाइकें देंगे, सबका सपना पूरा करेंगे नई बाइक खरीदने का। तो सबका सपना पूरा कैसे होगा भाई, ऐसे ही होगा कि आपको 10,000 रुपये भाई, हाँ 10,000 रुपये में आपको मिल जाएगी यामाहा की FZX। अब चाहे आप टॉप वेरिएंट ले लो, चाहे आप लोअर वेरिएंट ले लो, चाहे आप कोई सा वेरिएंट ले लो, बट आपको 10,000 रुपये लेकर आना है, आपकी बाइक हो जाएगी फाइनेंस। उसके बाद जो आपके अमाउंट्स हैं वो आपको एक ईजी EMI में कमाते रहो और अपना भरते रहो, हर महीने वाला हिसाब है, कमा कमा के भरते रहो। लोग पुरानी बाइक की EMI पे खरीद रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पुरानी बाइक के मत खरीदो, खर्चे दुनिया भर के होते हैं, नई बाइक खरीदो, 3 सर्विस फ्री मिलती है, साथ ही में आपको यामाहा की बाइक आपको पता है रिलायबल है, परफॉर्मेंस भी मिलेगी, साथ में माइलेज भाई 60 की माइलेज मिल रही है आपको 155 cc बाइक के साथ। और टायर वगैरह देख रहे हो कितने बड़े बड़े टायर, कितने मोटे मोटे सस्पेंशन, तो ये सब आपको मिल रहे हैं इसके अंदर।
भाई कैसी लगी वीडियो, एक बार कमेंट जरूर करना। और ये जो डाउन पेमेंट है ये आपको कैसी लगी भाई, बहुत चैलेंजिंग है, मुझे लगता है कोई नहीं दे पाएगा पूरे इंडिया के अंदर, बट यहाँ पे बाइक हाउस जेली यामा का शोरूम है, ये ऑफर कर रहे हैं मात्र 10,000 रुपये। अगेन बता रहा हूँ बार बार भाई, 10,000 रुपये में मिल जाएगी आपको ये यामा की FZX। तो भाई ये बस ज़रूर बताना भाई, आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बाइक, और ये प्राइस कैसा लगा। साथ ही में वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने यारों दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी नई वीडियोस देखनी है तो भाई बेल आइकन भी कर देना, जैसे बेल आइकन प्रेस करोगे, जैसे नई वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। उससे क्या होगा कि भाई आप सबसे पहले कोई भी नई चीज़ प्रोडक्ट आएगा, कोई अच्छी ऑफर मिलता है, कोई अच्छी डील मिलती है तो जान सकते हो और अपने डील को कर सकते हो फाइनलाइज़।